हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड एक्सरसाइज। नाउ टुडे वी विल स्टडी व्हाट? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दिस एग्जांपल्स आर गिवन, सम आई थिंक दैट टोटल एग्जांपल्स वी आर गिवन देयर, फाइव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर गिवन। सो वन बाय वन वी विल स्टडी दिस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर लिटिल टिपिकल, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट सॉल्व दैट। ऑप्शन आर गिवन, वी हैव टू पुट राइट फॉर द करेक्ट ऑप्शन। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, द डेसिमल नंबर 0.7625 लाइज बिटवीन 0.7 एंड 0.76, बी ऑप्शन 0.77 एंड 0.78, सी ऑप्शन 0.76 एंड 0.761 एंड डी ऑप्शन 0.76 एंड 0.763। नाउ दिस मच ऑप्शन आर गिवन, फोर ऑप्शन। सो एट फर्स्ट व्हाट इज गिवन, 0.7625। आफ्टर पॉइंट वी हैव स्टडीड ओनली 10th, 100th एंड 1000th, बट हियर गिवन फोर डिजिट नंबर। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7? Place value of 7 is 10th, place value of 6 is 100th, and place value of 2 is 1000th, and place value of now 5 is 10,000. But up to 3 digit only we have studied in this lesson. But here given one again extra number. So keep in mind, now last number is which one? 5. So 5 is there, that's why we have to take one from 5. 5 mein se ek nikalna hai, ye 5 hai. भाई इसलिए इसमें ये नंबर में प्रीवियस नंबर में क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, यानी 2 में हम क्या मिला सकते हैं, 1। अभी 2 में 1 ऐड करो, फिर क्या आएगा, यहां पर आएगा 0.763। 3 कैसा आया, यहां पर 5 है, इसलिए यहां से हमने एक निकाल के ये 2 में ऐड किए। अगर यहां पर 1, 2, 3, 4 इतने नंबर होते तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 5 है नंबर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 5 है इसलिए हम वहां इसमें से 1, इसका 1 इसमें डालते हैं, यानी 5 में से 1 निकाल दो, 4 रहेगा वहां पर, यहाँ पर, लेकिन अभी इसमें हम 5 है इसलिए इसमें हम ये नंबर प्रीवियस नंबर में प्लस कर दिए, तो वहां पर आता है 0.763। समझ में आया, ऐसा है 0.763। तो यहां तक हम 3 डिजिट पढ़ चुके, इसलिए अभी देखो 0.7625। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 नंबर है, लेकिन यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए 0.7 एंड 0.76, 4 नंबर है। अभी 4 में से हम कम से कम वहां 3 ली, नियरेस्ट अबाउट, ओके। तो 0.7 तो ये 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है और पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो इसके बीच में ये नंबर लाया होगा क्या, नॉट पॉसिबल, इस पर नहीं आएगा आप, क्योंकि पॉइंट के बाद कम से कम हमें 3 नंबर तो भी चाहिए। अभी यहाँ पर 0.77 एंड 0.78, 77, वैसे भी 77 76 से बड़ा है, 2 डिजिट बीट लिए, तो 76 77 में कैसे लाया होगा, नहीं होता है इसमें 77 में, और 78 में भी नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट। नाउ 0.76, 0.76 यहाँ पे है एंड 0.761, लेकिन अभी यहाँ पर ये भी नंबर नहीं आ सकता उसमें, 0.761 ये भी नंबर उसमें लाई नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या देखना है हमें, लास्ट नंबर ऑप्शन क्या है, 0.76 एंड 0.763। 0.76 यानी ये वैसे अनलाइक है, अगर इसको लाइक बनाना है तो हम यहाँ पर 0 ले सकते, ठीक है, 0 पर 0 भी ले सकते। अभी देखो तुम 0.7625 किसके पास आएगा, 25 है, तो यानी हमारा अभी 0.7625 मतलब 0.763 हो गया। अभी 3 किसमें लाया होगा, ये वाला नंबर, ये सॉरी, ये 2 किस पर लाया होगा, 762 यानी 60 और 62 लाया होगा इन बिटवीन, या फिर 0 लास्ट वाला देख लो, इसमें नंबर 0 और 3, 0 और 3 के बीच में ये 2 लाया होगा, ठीक है, 0 के बाद 1, 2, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी 0.763 ये है ना, तो यहाँ पर उसके पहले हम देख सकते हैं ये 2 कहाँ पे लाया होगा, 0 और 3 के बीच में आएगा ना 2, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका भी, ये तो नहीं हो सकता, ये पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक ही नंबर है डेसिमल नंबर, यहाँ पर कम से कम हमें अभी मैंने इसको राउंड किया तो भी 0.763 आया, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी भी यानी यहाँ 77 है, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी 0.76 एंड 0.761 ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या हो गया था 0.763 है ना, तो फिर यानी अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं 62 कहाँ पे लाया होगा, 0.760 में
या फिर 0.763 में, तो किस में लाया होगा, 0.0 और 3 के बीच में आएगा ना, 0 है एक तरफ है 3, तो यहाँ पर आएगा 0 के बाद 1, उसके बाद 1 के बाद 2, ठीक है, इसलिए ये 2 कहाँ पे लाया होगा, 0 और 3 के बीच में, वैसे यहाँ 0 दे के नहीं था लेकिन हम ले सकते वहां पर, सो ऑप्शन नंबर डी अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज द ग्रेटेस्ट, इसमें से कौन सा नंबर डेसिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, डेसिमल में देखे इसमें से हमें बड़ा डेसिमल नंबर चुनना है, इसमें सिलेक्ट करना है। नाउ लुक दैट, 0.162 हियर, 0.0925 हियर, 0.29 एंड 0.038। अभी देखो यहां पर 0 है, यहां पर भी 0 है, पहला 0 0, दिस इज कॉमन, ओके। नाउ पॉइंट 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 पॉइंट, दिस ऑल्सो ओके। नाउ अभी क्या है, यहां पर 1 और यहां पर क्या है, 0 और यहां पे 2 है पॉइंट के बाद, और यहां पर 0 है, तो अभी इसमें 1 0 2 और 0 में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है, ये 1 बड़ा है या 0 बड़ा है या 2 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा आएगा, 0.29 विच विल बी द ग्रेटर ग्रेटेस्ट नंबर, 0.29, क्योंकि 1 से बड़ा 2 है, 0 से भी बड़ा 2 है, ये 0 से भी बड़ा 2 आता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नाउ थर्ड एग्जांपल, 13.572 करेक्ट टू द नियरेस्ट 10th प्लेस, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10th प्लेस। नाउ लुक दैट, 10th, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 10th हियर, 10th मींस 5, ठीक है, 5 है यहां पर, 10th प्लेस में क्या है, 5। अभी 100th प्लेस में कौन सा नंबर है, यहां 7, ये भी 7, 7 नंबर है, इसलिए 7 में से हम इसमें से 1 निकालकर यहां पर हम ऐड कर सकते, तो 5 में 1 मिला दो, 5 में 1 मिला तो कौन सा आएगा, 6, 13.6। अभी 10th 100th 1000th, अभी यहां पर दिया है करेक्ट टू द नियरेस्ट 10th, 10th में यहां पर 5 है, इसलिए हम इसमें 1 ऐड कर सकते, 5 है इसलिए, अगर यहां पर 1 2 3 4 ये नंबर होते थे तो हम नहीं ऐड कर सकते थे इसमें, यानी अगर यहां पर होता था 1 2 3 4, अगर ये वाला 100th वाला नंबर वो नहीं होता था, कौन सा 1 2 3 4, तो हम ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां 7 है 10th 100th में, इसलिए इसमें से 1 इसमें हम ऐड कर सकते, तो 5 में ऐड कर दो कितना आएगा फिर 13.6। 10th तो नहीं हो सकता इसमें क्योंकि डेसिमल नंबर है यहां पर, करेक्ट टू द 10th प्लेस ये नहीं है, 13.57 ऑल्सो नॉट पॉसिबल 10th प्लेस में ये भी, फिर 14.5 ये भी नहीं हो सकता 10th प्लेस में, तो फिर लास्ट में कौन सा ऑप्शन दिया, 13.6। 13.6 कैसे आया, क्योंकि 7 है नंबर इसलिए इसमें से 1 इसमें ऐड कर दिए, तो 5 + 1 = 6, यानी 13.6, सो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर विच वन, डी, अंडरस्टूड। सो दिस एग्जांपल्स आर लिटिल मींस डिफरेंट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस सेकंड वन इजी ओनली। नाउ थर्ड वन, हाउ टू डू दैट वन, पॉइंट के बाद 5 है और 5 के बाद इसका प्लेस वैल्यू है 10th। नाउ दिस 13.57 टू करेक्ट टू द 10th प्लेस, अब 5 10th के बाद कौन सा प्लेस वैल्यू आता है, 100th। अब 100th में 7 है इसलिए ये नंबर 7 है, इसलिए इसमें ऐड कर देने का 1, तो 5 में 1 मिला दो कितना आएगा, 6, यानी 13.6। सो अंडरस्टूड दिस एग्जांपल, सो नोट डाउन दिस एग्जांपल नंबर 4, द डेसिमल 0.238 इज इक्वल टू द फ्रैक्शन, द डेसिमल 0.238 इज इक्वल टू द फ्रैक्शन, नाउ इट इज गिवन इन डेसिमल, ऑप्शन गिवन 119 डिवाइड बाय 500, 238 बाय 25, सी 119 बाय 25 एंड डी 119 बाय 50, सो दिस मेनी ऑप्शंस वेयर गिवन। सो क्या दिया है, डेसिमल कौन सा दिया है, यहां रब करना है 0.238, ओके। नाउ इट इज गिवन इन फ्रैक्शन, सो कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1 2 3, तो अभी ये 238 लिख सकते हैं हम, 238 बाय कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1 2 3, यानी यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 1000, समझ में आया, 3 नंबर के पहले पॉइंट है इसलिए 1000। अब इसको लाना है हमें, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम 238 और 1000 को लोएस्ट टर्म में, कैसा, वंस प्लेस में कौन सा है, 8 है और यहां पर वंस प्लेस में 0, यानी ये किसके टेबल में कट सकता है, यहां पर एक ही नंबर से कटना कैंसिल होना चाहिए, तो यू हैव टू डिवाइड दिस 238 बाय 2, डिवाइड 2 1 जार
2. Now 2 minus 2, 0. Bring this 3 down. Again 2 ones are 2. Now 3 minus 2, 1. Bring this 8 down. Now 2 nines are 18. 2 nines are what? 18. यानी ये 2 के टेबल में कैंसिल हुआ, ये 238 इन द सेम वे 1000. 1000 किसके टेबल में? 2 के टेबल में, क्योंकि यहाँ वन प्लेस में 0, इसलिए 2. 2 ones are 2 के टेबल में 1 नहीं आता, लेकिन फिर बाद में ले सकते हैं 2 डिजिट. 10. 10 में यानी 2 फाइव आर 10. 2 फाइव आर वॉट 10. ओके, नाउ हम इन जीरोस 20 डायरेक्टली वी कैन पुट और अदरवाइज ब्रिंग दिस 0 डाउन. नाउ 2 जीरोस आर 0. नाउ 0 माइनस 0 0. ब्रिंग दिस अगेन 0 डाउन. 2 जीरोस आर 0. मीन्स 1000 का आधा 500 और 238 का हाफ 190. तो इसका क्या है लोएस्ट टर्म में? 190 के बदले हम ऐसा भी लिख सकते हैं उसमें, उसको लोएस्ट टर्म में लाए थे 2 इंटू 190. ओके, 2 इंटू 190 डिवाइड बाय 1000 मीन्स 2 इंटू 500. 2 इंटू 500. नाउ हियर कॉमन व्हाट वी आर गेटिंग हियर, सेम 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो अगर दोनों में सेम रहे तो हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं उसमें. ठीक है, अब क्या बचा है यहाँ पर? 190 बाय 500. अभी ये और सॉल्व नहीं हो सकता, ये 2 के टेबल में कैंसिल हो सकता 500, लेकिन 119 नहीं हो सकता, तो ये अभी सॉल्व होना मुश्किल. तो ऑप्शन कौन सा है उसमें? ए 119 बाय 500. बी आए के 230 बाय 25. यहाँ डिनोमिनेटर में हमें फाइव, इसको बोला जाता है ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में 25 है, हमारे आंसर में 500 है, 25 और 50. तो क्या आंसर, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए 119 बाय 500. लोएस्ट टर्म में लाने के बाद उसको इस डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में लिखना है और उसको सॉल्व करना है. सो अंडरस्टूड? सो नोट डाउन दिस वन. नाउ फिफ्थ एग्जांपल, लुक दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज द स्मॉलेस्ट. इसमें से दिया है ऑप्शन ए बी सी डी में से सबसे स्मॉलेस्ट मतलब छोटा. ठीक है, अब ऑप्शन ए 0.27, बी 1.5, सी 0.082 एंड डी 0.103. अब सबसे छोटा, अब देखो यहाँ पर पॉइंट के पहले वाला क्या नंबर है? 0, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे पर भी क्या है? 0 है. ठीक है, लाइक दैट ओनली गिवन. नो 0.27, 1.5, 0.082 एंड 0.10. हाँ, नाउ लुक दैट 0.27 एंड हियर 1.5, 0.082 एंड 0.103. अब 0 और 1, यहां पर 0 है, एक एक यहां पर भी 0 है. तो अभी देखो ये 1 तो बड़ा है, हमें छोटा लेना है. 1 तो बड़ा हो गया, तो अभी 1, 2, 3 में से, 3 में से हमें ढूंढना है. 1 इसका तो हो गया, 1 बड़ा है, इसलिए अब 0, 0, 0 यहां ये तीनों में कॉमन हो गया. अब पॉइंट. ठीक है, अभी नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट डिजिट, यहां पर 2 है, यहां पर क्या है? 0 है और यहां पर 1 है. अब 2, 0 और 1 में सबसे छोटा कौन सा हो गया? फिर 2, 0 और 1 में सबसे छोटा कौन सा हो गया? 0. यानी 0.082 इज स्मॉलेस्ट. सो पुट राइट फॉर सी ऑप्शन. सो अंडरस्टूड? ये 0, 1 पॉइंट के पहले अगर कंपेयर करें तो 0, 1, 0, 0. अभी हमें इसमें से क्या करना था? स्मॉलेस्ट. अभी 1 से ये तो बड़ा हो गया, 0 से बड़ा 1 हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता. अभी इसमें 1, 2, 3 में ढूंढना है. 0, 0.0. ये हो गया, ये कॉमन होगी 0. अभी यहाँ 2 है, यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 है. अब 2, 0 और 1 में सबसे छोटा कौन सा हो गया? फिर 0 हो गया, इसलिए 0.082 इज द करेक्ट ऑप्शन. अंडरस्टूड? नाउ ट्रू और फॉल्स. इफ स्टेटमेंट इज करेक्ट देन वी हैव टू राइट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. लुक दैट द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट एट द 10th ऑफ 10th इट इज गिवन. प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द 10th प्लेस इज 10 टाइम्स द सेम डिजिट एट द 1s प्लेस. सो हियर 10th ऑल्सो गिवन, 1s ऑल्सो गिवन एंड टाइम्स. टाइम्स मीन मल्टीप्लीकेशन वी हैव टू डू. ओके, नाउ 10 एट प्लस मेक द प्लेस वैल्यू चार्ट. दिस इज डेसिमल. बिफोर डेसिमल विच वन? 1s. आफ्टर 1s विच वन? राइट प्रॉपरली. नाउ लुक दैट हियर आई विल मेक द प्लेस वैल्यू चार्ट. वी हैव टू मेक दिस इज डेसिमल. बिफोर डेसिमल वॉट वी हैव टू टेक? हियर इंडियन प्लेस वैल्यू. 1s, 10s, 100, लाइक दैट. 1s, 10s, 100, 1000, like that. And this is decimal point. And after decimal point, what will start? 10th. 10th, 100th, 1000th, like that. Okay. Now, 1s means which number we have to multiply by?
1. Tens means 10. Now, 10th means 1 by 10. Understood? 10th means 1 by 10. Now, the place value of a digit at the 10th place. What is the place value of the digit at the 10th place? 1 by 10. Understood this? 10th means 1 by 10. Place is 10 times. Is means equal to. Is means what we have to give? Equal to 10 times. Times means which sign we have to give? Multiplication. 10 times the same digit at the 1's place. Now, what is the place value of 1's? What is the place value of 1's means? Which number we have to multiply? 1. Okay, understood this one? 1 by 10 equal to 10 into 1. Now, solve this. 1 by 10. It is given in fraction and 10 ones are 10. 10 ones are 10. Below 10, we can take nothing means 1. Now, this 1 by 10 and 10 by 1, both are equal. It is possible. How? Ye 1 by 10 or 10 by 1. 10 by 1 yani 10. Ye fraction mein hai. और ये होल नंबर में या नेचुरल नंबर में 10 बाय 1 मतलब 10 होता है. तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए क्या? ये दोनों एक दूसरे को इक्वल नहीं है. दिस इज नॉट इक्वल. सो दिस इज नॉट व्हाट इक्वल. अगर 1 बाय 10 यहां पर भी 1 बाय 10 आने से इक्वल हो जाता था. तो द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट एट द 10th प्लेस इज 10 टाइम्स द सेम डिजिट एट द 1's प्लेस. आंसर डिफरेंट आया. आंसर क्या आ रहा है यहां पर 1 बाय 10 और 10 बाय 1. आंसर डिफरेंट है इसलिए दिस स्टेटमेंट इज व्हाट फॉल्स. व्हाट वी हैव ट्राइड False. So understood this? True or false? अगर यहां पर 1 by 10 और इधर भी 1 by 10 आता था तो true होता था. या फिर इधर 10 और इधर भी 10 रहने से दोनों values same हो जाते थे. लेकिन यहां 1 by 10 आया और यहां 10 by 1. इसलिए unequal. Both fractions are not equal. So that's why this statement is false. So understood? So note down this one. Now second example look that. The place value of a digit at the 100th place is 1 by 100 times the same digit at the 10th place. Here also same thing. How we have done completed that first example like it only. The place value of a digit at the 100th. So make place value chart up to 100 now. Decimal point here. Ones. After from the right side ones. After that tens. After that 100. If you want to take 100. 100. Okay. Now after decimal point, 10th. What is that? 10th. After 10th, 100th. H-U-N-D-R-E-D-T-H-E-S. Okay. 100th. Now here, the place value of a digit at the 100th. 1 means we have to multiply by 1. 10 means 1010. 100 means 100. 100. Okay. Now 10th means what fraction? 1 by 10. And 100 means 1 by what? 100. Okay. Now, look at the place value of a digit at the 100th place. 100th place, what is that? 1 by 100. Understood? Is mean equal to 1 by 100. 1 by what? 100. 1 by 100 times. Times means which sign we have to put? Multiplication. Times means multiplication. Times the same digit at the 10th place. Now, what is the place value of 10th? 1 by 10. Okay, 1 by 10. Now here 1 by 100 and equal to 1 by 100 into 1 by 10. Now solve this one. This is not possible to solve. 1 by 100 equal to. Now here multiplication sign. A by B into C by D. So A this 1 into 1. We have to do multiplication numerator and numerator. 1 into 1 divided by 100 into 10. 100 into what? 10. Now 1 into 1. What is that? 100. I am solving here this example. Now, after this, here 1 by 100. Okay, 1 by 100. 1 by 100 equal to, now 1 into 1, 1 only. If we are multiplying 1 with 1, 1 only answer we get. Now, 100 into 10. 100 into what? 10. 1 into 1, 1. How many zeros are there? 1, 2, 3. So, we have to put 3 zero. Now, tell me. Now, look at 1 by 100. Is equal to 1 by 1000. क्या ये दोनों इक्वल होंगे क्या फ्रैक्शन? या 1 by 100 है या दो जीरो है. लेकिन यहां 1 by 1000 आया तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्या? नहीं है. ये नॉट इक्वल. 1 by this is the symbol of not equal. 1 by 100 is not equal to 1 by 1000. 1 by 1000. So this statement is also what? False. याद है the place value of a digit at the 100th place. 100th place में यानी 1 by 100 is 1 by 100 times the same digit at the 10th place. 10th place means 1 by 10. So 1 by 100 into 1 by 10. So 1 into 1, 1 and 100 into 10, 1000.
therefore 1/100 is not equal to 1/1000. So that's why this statement is not false. Understood? So note down graph also. The third example looked at the decimal. What it is given? The decimal 2.725 is equal to 2.73. Correct to two decimal places. Correct to two decimal. What it is given places. Now look at 2.725. Last number is 5. 5 is there. That's why we have to. ये 5 है इसलिए इसमें हम ये previous number में हम add कर सकते हैं 1. यानी 2 में 1 मिलाओ कितना हो जाएगा फिर 2.7. ये 5 है इसलिए इसमें हम add कर सकते क्या 1+1. तो 2+1 now 3. 2.73. यानी 2.725 equal to we can write 2.73. The decimal 2.725 is equal to 2.73. Equal आता है क्या? Is equal to yes, equal to 2.73. Correct to two decimal places. After point two decimal places. So this statement is what true. Understood? क्यों ये हो गया? यह 5 है इसलिए यहाँ पर एक add हो सकता है यहाँ पर previous number में. अब 2 में 1 मिला दो क्या हो जाएगा 3 फिर 2.73 equal है. वो दोनों ये और ये वाला डेसिमल क्या हो गया एक दूसरे को इक्वल करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस. सो नोट डाउन फोर्थ एग्जांपल लुक दैट इन द डेसिमल फॉर्म फ्रैक्शन 33/8 इक्वल टू 3.125 डिवाइड दिस 33/8 दिस इज डिविडेंड एंड दिस वन इज डिवाइजर. सो टेक दिस डिविडेंड इनसाइड एंड आउटसाइड व्हाट 8. नाउ डिवाइड दिस 33 बाय व्हिच नंबर वी हैव टू डिवाइड बाय 8. नाउ डिवाइड in 8 table 3 not getting take 2 number 33 which number getting nearest to 33 8 fours are 32 then do minus now 3 minus 2 1 3 minus 3 0 now 8 के table में 1 नहीं आता तो अभी इसको बड़ा करना है. बड़ा करने के लिए यहाँ क्या डालना पड़ेगा हमें क्या put करना पड़ता वहां पर point. अभी यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं. now 8 ones are 8 10 के पास कौन सा आएगा 8. नाउ 10 माइनस 8 2. अभी आप 0 सकते अभी 0 डाल सकते क्योंकि अभी पहले हमने वहां पॉइंट डाले. अभी 20 के पास कौन सा आता है 8 ones are 8 8 2s are 16 8 3s are 24 सो 8 2s are 16. ठीक 0 में 6 माइनस नहीं होता तो फिर इसको वी हैव टू मेक ग्रेटर नंबर कट 0 एंड बॉरो 1 फ्रॉम हियर. नाउ बिफोर 2 विच नंबर लेफ्ट 1. नाउ 10 माइनस 6 4 10 माइनस 6 व्हाट 4 1 माइनस 1 0. ओके नाउ एटला अब फिर से हम 0 डाल सकते हैं उसमें. नाउ अभी 40 8 के टेबल में 40 8 फाइव आर 40. सो व्हाट आंसर गेटिंग 4.125 बट हियर गिवन 3.125. सो दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट. 33/8 मीन्स 4.125 वी शुड गेट देयर बट इट इज गिवन 3.125. सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट फॉल्स. सो अंडरस्टूड दिस वन फोर्थ वन. Now look that 19.25. This is the symbol of what? Less than 19.053. Now after point here 2 decimal and here 3 decimal. Okay, 3 numbers. Now here 1/1. Before point we have to compare. Here 1 common. Here 9, here also 9. That becomes 19 common. Okay. Now point, point. Okay. Now after point which number here? 2 and here 0. Now 2 is getting 2 और 0 compare करो 2 क्या आ रहा बड़ा आ रहा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था फिर greater की sign चाहिए था है कि नहीं क्योंकि 2 0 से बड़ा है लेकिन यहाँ पर दिया है 2 is less than 0 क्या 2 छोटा है क्या 0 से नहीं तो ये statement क्या है 2 तो बड़ा है यानी greater की sign चाहिए था लेकिन smaller की sign दिया है इसलिए statement क्या हो गया false. Understood? So in this way we have completed this true and false. Now fill in the blanks of that. First example, see, fill in the blanks. Decimal 12.25 is equal to the fraction dash. यानी decimal में देखिए और उसको हमें convert करके fraction में लिखना है. जैसे 12.25. So, at first, इसको हमें fraction में लिखना है. ये number लिखो आप point भूल जाओ. 1, 2, 2, 5. How many number before point? 2. तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? 100. अब 100 हो गया इसलिए point हट गया वहां पर इसका मतलब. यानी 1225/100. क्यों 100 ही लेना पड़ा क्योंकि यहाँ कितने नंबर के पहले पॉइंट है 2 बिफोर 2 नंबर डेसिमल पॉइंट इज देयर. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक हियर 100. ओके नाउ हियर व्हेनेवर इन मंथ्स प्लेस इन 1225 में मंथ्स प्लेस में कौन सा नंबर है 5 और यहाँ पर 100 में मंथ्स प्लेस में कौन सा है 0.
अगर जीरो या फिर फाइव रहा तो वो नंबर एक ही टेबल में कटता है। कौन सा? अभी इसको हमें सॉल्व करना है, आंसर ये नहीं हुआ 1225/100, इसको लोएस्ट टर्म में लाना है। जब तक वो सॉल्व होता है तब तक उसको सॉल्व करते जाना है हमें। अभी ठीक है, या फाइव है और या जीरो, इसलिए इसको डिवाइड करो 1225, एक ही नंबर में कटना चाहिए, वो आना चाहिए, डिवाइड करना है। अभी फाइव टू के टेबल में नहीं आता, थ्री के टेबल में भी मुश्किल है, फाइव के टेबल में कट सकता है क्योंकि वन प्लेस में फाइव है। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ फाइव। अभी रिमाइंडर जीरो आना चाहिए किसी भी हालत में। नाउ फाइव टू जैट, फाइव के टेबल में वन नहीं आता, फिर टू दो नंबर लो, ट्वेल्व, ट्वेल्व के पास कौन सा नंबर आएगा, फाइव टू जैट टेन। ओके, नाउ टू माइनस जीरो टू, वन माइनस वन जीरो। नाउ ब्रिंग दिस टू डाउन। अब फाइव के टेबल में 22 नहीं है लेकिन 20 आ सकता, फाइव फोर जैट कौन सा नंबर है, फाइव फोर जैट 20। नाउ माइनस टू माइनस जीरो टू, टू माइनस टू जीरो। नाउ ब्रिंग दिस फाइव डाउन, फाइव के टेबल में 25, फाइव फाइव जैट 25, 25 माइनस 25 जीरो, तो ये एक हुआ। अभी उसी ढंग से ये, अब यहाँ 1225 को हमने किससे डिवाइड किया, फाइव, तो 100 को भी फाइव से ही करना है और रिमाइंडर जीरो मिलना चाहिए। फाइव फाइव टू जार टेन, ठीक है, टेन माइनस टेन जीरो, नाउ ब्रिंग दिस जीरो डाउन, फाइव जीरो जार जीरो, यानी दोनों इसमें एक ही नंबर से कैंसिल हो रहा हो फाइव से, तो रिमाइंडर जीरो भी आया। अभी 1225 मतलब फाइव इंटू 245, उसी ढंग से 100 मतलब 5 इंटू 20। अब देखो या 5 5 है, सेम हो गया, न्यूमरेटर में 5 डिनोमिनेटर में 5, इसलिए ये 5 5 क्या होता है, कैंसल। अब क्या बचा है, 245/20, फिर से इसको सॉल्व करना है तो कर सकते, होता होने से। अब वन प्लेस में 5 है, वन प्लेस में 0 हो सकता है 5 के टेबल में। अब 245 को 5 से डिवाइड करो, जब तक वो सॉल्व होता है तब तक करते जाना है, जहां पे हमें सॉल्व नहीं होता वहां पर रुक जाना है। फिर 245, 5 के टेबल में 24 नहीं आता, 5 4 20। नाउ माइनस 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 2 0, ब्रिंग दिस 5 डाउन। अब 5 के टेबल में 45 कौन सा नंबर आएगा, 5 9 45, ठीक है। अभी उसी ढंग से अभी डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 20, 5 के टेबल में 5 4 20, ये 245 और 20 5 के टेबल में कटता है उसमें, यानी 5 इंटू 245 मतलब 5 इंटू 49, ठीक है, 5 इंटू 49 और 20 मतलब, 20 मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4। अब कैंसल क्या होता, 5 है। अब ये मत सोचो कि यहाँ पर यहाँ पर, ये भी कैंसिल होगा, ये टू डिजिट का नंबर है, ये सिंगल सिंगल डिजिट का था, इसलिए ऊपर सेम है नीचे भी सेम है, इसलिए 5 कैंसल। अब क्या बचा है इसमें, 49/4। अब 49/4 ये कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये 4 2 के टेबल में आएगा लेकिन 49 नहीं आता, 49 आता है सिर्फ 7 के टेबल में, 7 7 जा, लेकिन 4 नहीं आता 7 के टेबल में, इसलिए अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो गया, फ्रैक्शन, यानी 12.25 इज इक्वल टू द फ्रैक्शन 49/4, योर आंसर विल बी दैट 49/4। सो अंडरस्टूड, सो इन दिस वे वी हैव टू डू ऑल दैट थिंग, सो नोट डाउन। सेकंड एग्जांपल, फ्रैक्शन 9/25 इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर, यानी इसको अभी फ्रैक्शन में दिया हमें उसको डेसिमल मिलाना है, 9/25, सो वी हैव टू डिवाइड दिस 9/25, सो दिस इज डिविडेंड एंड दिस वन डाउन नंबर डिवाइजर। अब देखो यहां पर अंदर क्यों कुछ लेना है नंबर हमें 9 और यहां पे बाहर में 25। अब 25 टू डिजिट का है और अंदर वाला नंबर 1 डिजिट का है, तो 25 के टेबल में 9 नहीं आता, तो इसको बड़ा बनाना है, तो बड़ा करने के लिए यहां पर क्या लेना है, 0 पॉइंट और यहां पर 0, ठीक है। अब 25 के टेबल, 25 1 25, 25 2 25 2 हाउ मच, 50, 25 3 25 3 लुक डेट, 3 5 15 कैरी 1, 3 2 6 7 75। अब 25 4 कितना होगा, फिर 100 हो सकता है उसमें, ठीक है, 100 तो नंबर बड़ा होता है, यानी 25 3 75, ठीक है। अभी माइनस करना है, 0 - 5 होता है कि उसमें, देखो 0 - 5 माइनस कर सकते हैं नहीं, तो फिर इसको बड़ा करना है, बोरो 1 फ्रॉम हियर। नाउ बिफोर 9 विच नंबर लेट, 8। नाउ 10 - 5, 10 में से 5 निकालो क्या आएगा, 5। अभी 8 - 7 1, और अभी यहां पर 25 है या 15 है, अभी ये छोटा है, फिर अभी इसको बड़ा करने के लिए 0, ठीक है। अभी 25 के टेबल में 150 कौन सा नंबर आएगा उसमें, देखो अभी 25 3 75, 25
25 1 25 25 2 50 25 3 75 25 4 100 100 हो गया 25 अभी 100 से बढ़ा फिर इसके 25 फोर ने 5 आएगा या 6 आएगा 25 6 लुक डेट 6 5 30 कैरी 3 6 2 12 12 प्लस 3 50 25 6 सो 0.36 25 6 150 नाउ 150 माइनस 150 0 सो 0.36 सो व्हाट वी आर गेटिंग 0.36 9 बाय 25 मतलब 0.36 सो अंडरस्टूड दिस एग्जांपल सो नोट डाउन दैट वन एग्जांपल द वैल्यू ऑफ 11 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इक्वल टू रुपीज डैश द वैल्यू ऑफ 11 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे सो रफ वी हैव टू डू 11 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे 11 कॉइन्स ऑफ व्हाट गिवन 50 पैसे इज इक्वल टू डैश रुपीज यानी पैसे में भी दिया है उसको हमें कन्वर्ट करना है और रुपीज में आंसर लाना है 11 कॉइन्स ऑफ मीन्स व्हाट वी हैव टू गिव मल्टीप्लाई 50 पैसे व्हाट इज द सिंबल ऑफ पैसे पी इन शॉर्ट फॉर ओके ना नंबर नंबर मल्टीप्लिकेशन 11 इंटू 5 11 फाइव आर 55 एंड 10 55 एंड व्हाट 10 पैसे नाउ कन्वर्ट दिस इंटू व्हाट रुपीज सो वी नो दैट 1 पैसे इक्वल टू 1 पैसे 550 पैसे सो वी नो दैट व्हाट 1 पैसे इक्वल टू हाउ मच 1 पैसे इक्वल टू रुपीज 1/100 अंडरस्टूड दिस वन देयरफॉर 550 पैसे मीन्स रुपीज 550 डिवाइड बाय 100 रुपीज 550 डिवाइड बाय 100 नाउ डेसिमल पॉइंट वी हैव टू गिव रुपीज हाउ मेनी जीरोस आर हियर 2 सो लीव टू नंबर एंड पुट पॉइंट 550 लीव टू नंबर 1 2 एंड पुट व्हाट पॉइंट सो रुपीज 5.50 द प्लेस द वैल्यू ऑफ 11 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इक्वल टू रुपीज 5.50 पैसे और रुपीज 5.50 पैसे आफ्टर पॉइंट पैसे एंड बिफोर पॉइंट रुपीज सो अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल सो नोट डाउन नाउ लास्ट एग्जाम्पल लुक दैट फोर्थ एग्जाम्पल 0.875 कैन बी रिटर्न इन एक्सपेंडेड फॉर्म हैज डैश 10th 0 प्लस 8 10th मीन्स 8 बाय 10 प्लस 7 बाय 100 प्लस 5 बाय 1000 प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 10th डैश 10th सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 10th 8 10th कैन बी रिटर्न इन एक्सपेंडेड एडिशन फॉर्म ठीक है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 0 मतलब प्लस 0 इंटू 1 0 8 बाय 10 प्लस 7 बाय 100 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 1000 5 बाय 1000 सो 8 बाय 100 मीन 8 10th डैश 10th डैश 100th व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 100th वंस 10th 100th सो 100th इज व्हाट 700th एंड डैश 1000th डैश 10th 100th एंड 1000th एंड 5000th अंडरस्टूड सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस व्हाट टुडे वी हैव स्टडीड फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स एंड सी फिल इन द ब्लैंक्स Now again two left match the following D and E that we will study in next period. Okay, so note down this one.